हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 29 मई को रात के 8 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो माई टीम 11 को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहाँ पर आपको इस मुकाबले के अंदर करोड़ों की कमाई करने का मौका मिलेगा। और अगर आप इनका लीडर बोर्ड ज्वाइन कर रखे हो ना, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा की एक्स्ट्रा विनिंग कर सकते हो माई टीम 11 के ऊपर। यहां पे आपको लाइव फैंटेसी और सेकंड इनिंग्स फैंटेसी ऐसे बहुत ही कमाल के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। और वीरेंद्र सहवाग इस ऐप को प्रमोट करते हैं तो ना विड्रॉल की दिक्कत आएगी, ना डिपॉजिट की दिक्कत आएगी। कस्टमर सपोर्ट भी काफी शानदार है और इनका गोल्डन टिकट बाय करने पर आपको मैसिव डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करने पे आपको 100 रुपए एकदम फ्री मिलने वाले हैं। तो माई टीम 11 को डाउनलोड करो और आईपीएल में कमाई करनी चालू कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में, इस मैदान पे बहुत ही कमाल का बाउंस मिलता है तेज गेंदबाजों को, तो शॉर्ट बॉल खेलना काफी मुश्किल काम है। हालांकि बॉल काफी अच्छे से बल्ले के ऊपर आ रही है, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना काफी आसान है। इस वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं गुजरात टाइटंस के बारे में, जो कि टूर्नामेंट से पहले एटलीस्ट मुझे एक बहुत ही कमजोर टीम लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये टीम खेली है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। टीम ने टॉप ऑफ द टेबल खत्म किया, फिर क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान को भी हरा दिया। सबसे अच्छी बात है ना इस टीम की, ये टीम हार नहीं मानती। जब तक लगता है ना कि गुजरात मुकाबला हार जाएगी, तब भी इस टीम के बल्लेबाज आते हैं और टीम को हारे मुकाबले जिता देते हैं। जिस तरीके से डेविड मिलर ने बल्लेबाजी करी इस टीम के लिए बहुत ही कमाल की बात है। पुराने वाले मिलर की याद आ गई, गेम्स फिनिश कर रहे हैं, इस मुकाबले के अंदर बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। हार्दिक पांड्या ने भी काफी शानदार बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले में। हार्दिक पांड्या का नंबर 4 पर रोल एक बहुत ही बड़ा होगा, वो कप्तानी भी अच्छी करना चाहेंगे। अब तक हार्दिक पांड्या ने कुल 4 आईपीएल फाइनल खेले हैं और चारों बार उनको जीत मिली है। उसके अलावा लोअर ऑर्डर के अंदर राहुल तेवतिया और राशिद खान है, और टॉप ऑर्डर में रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल के ऊपर भी निगाह होने वाली है। तो वापस से जो बैटिंग है ना इस टीम, क्योंकि बड़े नाम तो नहीं है लेकिन उनको मुकाबले जिताने आते हैं, गेंदबाजी इस टीम का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। राशिद खान हो गए, आपके पास मोहम्मद शमी हो गए, अलजारी जोसेफ हो गए, साई किशोर हो गए, तो गेंदबाजी के अंदर कुछ काफी शानदार नाम है गुजरात के पास। और जो गेंदबाजी है ना, वो गुजरात की टीम की स्ट्रेंथ है। तो देखते हैं इस मुकाबले में गुजरात टीम कैसा खेलेगी। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो गुजरात के लिए ओपन कर सकते हैं रिद्धिमान साह और शुभमन गिल, नंबर 3 पे मैथ्यू वेड, नंबर 4 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 5 पे डेविड मिलर, नंबर 6 पे राहुल तेवतिया, नंबर 7 पे राशिद खान, फिर अलजारी जोसेफ, यश दयाल, साई किशोर और मोहम्मद शमी। तो जरूर से एक बहुत ही शानदार टीम है गुजरात के पास और टीम पहले सीजन के अंदर खिताब जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जो कि पहले क्वालिफायर में गुजरात से हार गई थी, लेकिन टीम ने दूसरे क्वालिफायर में बैंगलोर को हराया और ये टीम क्वालिफाई कर गई। सबसे अच्छी बात यह रही कि जॉस बटलर फिर एक बार फॉर्म में आ गए, सेंचुरी मारी पिछले मुकाबले में जॉस बटलर ने। इस साल पक्का है वो ऑरेंज कैप लेके जाएंगे और ऑरेंज कैप के साथ वो इस साल खिताब भी जीतना चाहेंगे। तो जरूर से बटलर पे निगाह होने वाली है। फिर यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, देवदत्त पडिकल, शिमरन हेटमायर, रियान पराग, आर अश्विन, इन सभी बल्लेबाजों ने कभी ना कभी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये काफी शानदार बात है राजस्थान के लिए। जब बटलर रन नहीं मारे थे तब इन बाकी बल्लेबाजों ने सपोर्ट किया और इस मुकाबले के अंदर सारे बल्लेबाज वापस से जॉस बटलर को सपोर्ट करना चाहेंगे। गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है राजस्थान की टीम की। आर अश्विन, यूजी चहल, ओबिन मकॉय, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ये 5 जो गेंदबाज है ना, टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहे हैं। सब ने कभी ना कभी विकेट निकाले। ओबिन मकॉय, प्रसिद्ध कृष्णा डेथ ओवर्स में डालते हैं, ट्रेंट बोल स्टार्टिंग के ओवर्स में विकेट निकाल के देंगे, यूजी चहल और अश्विन की जोड़ी मिडिल ओवर्स के अंदर विकेट निकालेगी। तो आर अश्विन और ये सारे गेंदबाज बहुत ही कमाल के फॉर्म में है और इस मुकाबले के अंदर भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे संजू सैमसन, नंबर 4 पे देवदत्त पडिकल, नंबर 5 पे शिमरन हेटमायर, नंबर 6 पे आर अश्विन, नंबर 7 पे रियान पराग, फिर ट्रेंट बोल्ट,
प्रसिद्ध कृष्णा, ओबिन मकोय और यूजी चहल, तो ज़रूर से राजस्थान के लिए बड़ा मुकाबला है और टीम इस साल खिताब जीतना चाहेगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन बनेगा इस साल के IPL का चैंपियन, वो टीम होगी गुजरात, वो टीम होगी राजस्थान, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। तो मेरी पिक होने वाली है इस मुकाबले में राजस्थान की टीम। मुझे लगता है राजस्थान ही मुकाबला जीतेगी और इस साल की चैंपियन बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को, इस तरह वीडियोस देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।